Hello dear my students, myself Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas Bangalore. Now dear my students, job seeker जिनका सपना है टू बिकम अ स्किल्ड वर्कर इन जर्मनी इन विच फील्ड वेयरहाउस लॉजिस्टिक. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका सपना है टू बिकम अ वर्किंग और वर्कर इन वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस में काम करने वाला पर्सन आपको बनना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वेयर हाउसेस एज अ लॉजिस्टिक पर्सन इन जर्मनी. तो जर्मनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है हाउ टू बिकम अ स्टेट रिकॉग्नाइज स्किल्ड वर्कर वर्किंग इन वेयर हाउस और इन लॉजिस्टिक्स. तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन है ये यूरोप में, स्पेशली जर्मनी. तो टिल एंड तक आपको वीडियो जरूर देखना है. तो लेट स्टार्ट द वीडियो. नाउ डियर माई स्टूडेंट्स और जॉब सीकर, जर्मनी जो है आपके लिए एक ऑप्शन लेके आई है स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम. तो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम टू बिकम अ स्टेट रिकॉग्नाइज वर्कर इन जर्मनी वर्किंग इन वेयर हाउसेज और इन द लॉजिस्टिक साइट्स इन वेयर हाउसेज. जैसे बड़े बड़े वेयर हाउस रहते हैं, उसमें जो मटेरियल है या सामान है इधर से उधर लेके जाना है या ट्रांसपोर्ट करना है, लॉजिस्टिक जो आप समझते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, तो वो सारी चीज़ों के लिए कोर्स होता है जर्मनी में स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम. डायरेक्टली आप एक स्किल्ड बेस्ड पर्सन बनते हो, आपको डायरेक्टली ये कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट या जॉब मिलता है. तो जो भी इंडिया में 12th पास स्टूडेंट है जिसका सपना है लॉजिस्टिक या वेयर हाउस में काम करने का, जो डिप्लोमा होल्डर है वेयर हाउस या लॉजिस्टिक में, जो डिग्री होल्डर है लॉजिस्टिक वेयर हाउस या सप्लाई चेन में, ये सारे कैंडिडेट्स या सारे पर्सन इस स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है इसमें, कि अगर आपको स्किल्ड बेस्ड पर्सन बनना है डायरेक्ट एज अ एम्प्लॉय आपको काम करना है जर्मनी में और इस प्रोग्राम के थ्रू आप जाते हो, तो आप डायरेक्टली स्किल्ड बेस्ड पर्सन बन सकते हो और डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट मिल सकता है कोर्स के बाद. इस कोर्स को करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है जर्मन लैंग्वेज. तो जर्मन लैंग्वेज डियर माय स्टूडेंट्स और जॉब सीकर आपको आनी चाहिए. मिनिमम B1 से B2 लेवल तक का जर्मन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, क्योंकि ये कंप्लीट स्किल बेस्ड प्रोग्राम इनटू जर्मन लर्निंग जर्मन में है, इसलिए जर्मन आना ज़रूरी है. और जर्मनी अगर आपको जॉब चाहिए तो जर्मन आना ज़रूरी है. तो ये कोर्स जो है 3 साल का है. ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 3 ईयर्स. इस 3 साल में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हो, 12th पास भी हो, डिग्री भी कर लिया है, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट फिट बैठता है. अगर आपका इंटरेस्ट सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक या वेयर हाउस में है काम करने का, तो ये कोर्स में आप जा सकते हो. 3 साल का ड्यूरेशन है. इन 3 साल में आपको 2 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलेंगे. फर्स्ट है कि आपका कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा. सेकंड, ड्यूरिंग द कोर्स आपको मतलब डर रहेगा या टेंशन रहेगा कि यार खाने का खर्चा बहुत है जर्मनी में, रहने का खर्चा बहुत है जर्मनी में, ट्रांसपोर्ट भी कैसे करेंगे, तो आपको वो टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस स्किल्ड प्रोग्राम आपको हर महीना स्टाइफंड भी मिलेगा. तो 3 साल के प्रोग्राम में तीनों साल में आपको स्टाइफंड मिलेगा. फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा
€950 के आसपास हर महीना 12 महीने तक 12 मंथ तक। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा €1050 के आसपास एवरी मंथ। थर्ड ईयर में आपको मिलेगा €1200 के आसपास एवरी मंथ। तो इस तरह से हर साल हर महीने आपको स्टाइफंड मिलेगा, तो आपको रहने का खाने का ट्रांसपोर्टेस का कभी भी टेंशन नहीं है। आप अपना पैसा भी थोड़ा बहुत बचा के घर भी भेज सकते हो आप। तो ये वेयर हाउस या लॉजिस्टिक का कोर्स करने से आपको ये फ़ायदा हो सकता है, ये एक तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग हाउस बिल्डिंग आप बोल सकते हो या स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। तो तीसरी मैं बात करूँ तो एज क्राइटेरिया की, तो यूजली जर्मनी में क्या है, एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। बट अगर एज ए एम्प्लॉयर, सपोज मैं एज ए कंपनी या एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करना चाहता हूँ, तो आई ऑलवेज प्रेफर यूथ एंड स्पेशली मेल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक में मशीनरीज के थ्रू भी अगर वेजेस आप उठाते हो या कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उधर से उधर, तो प्रेफरेबल दिस कोर्स फॉर मेल। मेल के फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, बट ज़्यादातर प्रेफरेंस मेल को दिया जाता है इसमें। और अगर आपका एज बिलो 35 है, मतलब दे प्रेफर यूथ, तो अगर आपका एज बिलो 35 है तो ये आप एम्प्लॉयर के लिए आप एकदम सूटेबल कैंडिडेट बन जाते हो और इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप यहाँ इंडिया में सेटिस्फाई नहीं हो, आपका इंटरेस्ट वेयर हाउस लॉजिस्टिक में है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप जर्मन क्लासेस स्टार्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन करके B1 B2 सीख के आप जर्मनी जा सकते हो। तो ये कोर्स को करके 3 साल में, ये कोर्स होने के बाद आपका जॉब सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कोर्स करने के बाद सेम कंपनी ही आपको वेयर हाउस या लॉजिस्टिक में रख देगी, और स्टार्टिंग सैलरी जो है €3000 से €4000 के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है, जो इंडियन करेंसी में आप एज्यूम कर सकते हैं 2,50,000 से 3,50,000 के बिटवीन आपको सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा भी जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि अगर आप जर्मनी जाते हो तो नए बहुत सारे लॉ जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो जैसे कि आपको PR लेना है, सेटल होना है, तो ड्यूरेशन 3 साल के आसपास कर दिया है जर्मनी ने। ड्यूअल सिटीजनशिप जर्मनी अलाउ कर रही है, पेरेंट्स आपके परमानेंटली आपके साथ स्टे कर सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे नए चेंजेस भी जर्मनी लेके आई है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिल 2030 तक उनको 400,000 प्लस स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो अगर आपका ड्रीम है टू बिकम अ हाउस बिल्डिंग और टू वर्क एज अ वेयर हाउसर और इन अ लॉजिस्टिक और वेयर हाउस लॉजिस्टिक में अगर आपका ड्रीम है काम करने का कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो ये जो कोर्स है आपको एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो आज हमने ये डिस्कस किया वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक के बारे में, कोर्स दिस स्किल प्रोग्राम के बारे में। और भी अधिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट बिलो गिवन नंबर एंड यू कैन टेक योर कम्प्लीट करियर काउंसलिंग फॉर जर्मनी और फॉर यूरोप, और भी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपको मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में यूरोप के रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।